हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, हम सभी जानते हैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से रिसोर्स पर्सन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सैलरी जो होती है मिनिमम 31,000 दी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस एंड वर्क। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी विषय से, क्योंकि इसमें पढ़ाना नहीं है, रिसोर्स पर्सन है तो कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है किसी भी विषय से तो एप्लीकेशन डालना चाहें। तो चलिए आगे, और बाकी के क्राइटेरिया क्या है। तो एज लिमिट भी यहाँ पर नहीं है, कोई भी एज लिमिट हो तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो फिलहाल हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर अजीम प्रेम जी की, और ये अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ऑफिशियल वेबसाइट है। कई जगह पे, कई मल्टीपल लोकेशन में इसकी वैकेंसीज है। तो एक बार जब आप करियर सेक्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी नज़र आएंगे आपको, आवर नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट फॉर स्कूल टीचर एंड रिसोर्स पर्सन इज़ ऑन 19 दिसंबर 2021, अप्लाई बाय 12 दिसंबर। तो 12 दिसंबर तक एप्लीकेशन डाल दें। तो कहाँ कहाँ पर अभी रिसोर्स पर्सन के लिए अवेलेबल है और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू नो मोर, जब इसी पेज को आप स्क्रॉल डाउन करते तो नो मोर अबाउट रिसोर्स पर्सन ओपनिंग्स क्लिक हियर। तो इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं हम, तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज हैं। ये मैंने एक बार क्लिक कर लिया, तो जहाँ पर भी वैकेंसीज हैं, जो भी डेट दिखाई दे रही है, वो क्या होता है कि बार बार वो रिसोर्स पर्सन्स लेते हैं। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या यहाँ पर लिखी हुई है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज विल इंक्लूड वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट्स कंटेंट। आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, कंटेंट को समझ रहे हैं। एबिलिटी टू कंसेप्चुअलाइज एंड डिलीवर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इनको क्या करना होता है, रिसोर्स पर्सन्स को, इनको पढ़ाना नहीं होता है, इनको टीचर्स के लिए एंड हेड टीचर्स के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करने होते हैं। तो वो उनको बनाना होता है, कंसेप्चुअलाइज करना होता है और फिर डिलीवर करना होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और एबिलिटी टू फैसिलिटेट, एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ इन सिंपलर मैनर, लियाजनिंग एंड नेटवर्किंग स्किल्स। तो नेटवर्किंग करनी है टीचर्स की, हेड टीचर्स की, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको आगे प्रोत्साहित करने के लिए, ये सब काम होंगे रिसोर्स पर्सन के। तो ये कोई पढ़ाने का काम नहीं रहेगा। अब इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो जब आप पर्टिकुलर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा। तो अभी जो अपॉर्चुनिटीज लिस्टेड है, इसकी रिक्रूटमेंट ड्राइव रांची झारखंड में होगी, जिसका काम है छत्तीसगढ़ में। 30 नवंबर को ये अपडेट हुई है। दूसरी है रिसोर्स पर्सन छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार, ये भी छत्तीसगढ़ में है। दूसरी 30 नवंबर को ये अपडेट हुई है। तीसरी है कर्नाटका में, ये बहुत पहले अपडेट हुई है। लेकिन अभी जितने भी हैं 5 ओपनिंग, इनके लिए आप अभी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। रिक्वायरमेंट जो भी होगी तो वो ऑनलाइन टेस्ट या फिर टेस्ट लेंगे। और इनकी 3 राउंड इंटरव्यूज़ भी होते हैं, और उसके बाद रिसोर्स पर्सन में एंड टीचर में लास्ट इसी ईयर मेरे एक या दो सब्सक्राइबर की सिलेक्शन भी हो गई है। तो उन्होंने बताया कि 3 राउंड इंटरव्यूज़ होते हैं, रिटन टेस्ट होती है। मध्य प्रदेश में रिसोर्स पर्सन है, फिर राजस्थान में। तो ये 4 लोकेशन के लिए अभी है, ये डेट इनकी 5 अगस्त लिखी हुई है, बट अभी भी ये ओपन है। तो ओपन है तो आप एप्लीकेशन, तो एक मध्य प्रदेश के लिए है, एक राजस्थान के लिए है। अभी इनमें कितने रिसोर्स पर्सन चाहिए ये एग्जैक्टली यहाँ मेंशन नहीं की होती है। कर्नाटका के लिए है, छत्तीसगढ़ के लिए है, और एक रांची झारखंड में होगी रिक्रूटमेंट, और वो भी वर्क लोकेशन छत्तीसगढ़ में रहेगी। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में। तो जब स्टेट्स के नाम लिखे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कई सारे रिसोर्स पर्सन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो कोई एक मैं क्लिक करके आपको बता देती हूँ, जैसे कि किसी एक को मैंने क्लिक किया तो उसकी जो रिक्वायरमेंट क्या होती है। टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आपको बीएड या किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन आपने पढ़ाया है कहीं भी किसी भी तरीके से, 2 साल मिनिमम पढ़ाया है, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ में मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। तो टीचिंग एक्सपीरियंस कई लोगों के ऐसे भी होती है, जैसे आपने कभी कहीं ऑनलाइन टीचिंग की हुई है, ट्यूटरिंग की हुई है, आपने कहीं पर कोचिंग में पढ़ाया हुआ है, या फिर आपके पास कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं है लेकिन आपने पढ़ाया है कहीं पर टीचर ट्रेनिंग है, तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है इसकी, ऐसी वर्क, और रिटन टेस्ट होती है, 3 राउंड इंटरव्यूज़ होते हैं। जैसा मुझे समझ आया है कि जो इनिशियल सैलरी रहती है रिसोर्स पर्सन की, वो 31,000 या 35,000 मिनिमम होती ही है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज निकल कर आएंगी। आप इसमें चाहें तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दे देती हूँ, चेक कर लें सारी डिटेल्स और एप्लीकेशन ज़रूर डालें। अच्छी जॉब होती है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। लिंक के लिए मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक करें, कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर मिलेगी।